श्रीमद् भगवद गीता चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधन में 5 से 11 मार्च तक सिकंदरा स्थित 100 फुटा रोड पर भावना स्टेट के निकट 7 दिवसीय गीता ज्ञान गंगा महोत्सव आयोजित किया जाएगा। गीताचार्य पंडित दिनेश दीक्षित भगवद गीता के श्लोकों का वैज्ञानिक विवेचन करके आज की हर समस्या का समाधान लोगों को प्रदान करेंगे। इस दिव्य धार्मिक आयोजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। कार्यक्रम का प्रचार प्रसार हर दिन तेज होता जा रहा है। इस क्रम में शनिवार दोपहर सिकंदरा स्थित होटल भावना क्लार्क्स इन में आयोजकों द्वारा महोत्सव का आमंत्रण पत्र जारी किया गया। गीता संदेश पत्रिका का भी विमोचन किया गया। इस दौरान गीताचार्य पंडित दिनेश दीक्षित, श्रीमती श्रद्धा दीक्षित, डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय, प्रधान महेंद्र सिंह, मनोज गुप्ता, मधुकर रायजादा, राजेंद्र सिंह आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर गीताचार्य पंडित दिनेश दीक्षित ने बताया कि आज भौतिकवाद के कोलाहल में हमारे पवित्र हिंदू धर्म ग्रंथों का गुंजन कहीं गुम हो गया है। श्रद्धा की जगह तर्क का आसरा ग्रहण करने वाली नई पीढ़ियों को इन धर्म ग्रंथों का वैज्ञानिक पक्ष बताना बहुत जरूरी हो गया है। इससे न केवल वे अपनी गौरवशाली परंपराओं से जुड़ेंगे बल्कि अपने जीवन में क्रांतिकारी सफलता भी अर्जित करेंगे। बस इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए यह आयोजन किया जा रहा है। आयोजन से जुड़ी श्रद्धा दीक्षित ने बताया कि इस जन कल्याणकारी प्रवचन माला का सीधा प्रसारण सुभारती चैनल के माध्यम से भारत और भारत के बाहर 132 देशों में किया जाएगा। देश दुनिया के लाखों भक्त गीता के दिव्य ज्ञान से लाभान्वित होंगे। 7 दिवसीय गीता ज्ञान गंगा महोत्सव से पूर्व 4 मार्च को दोपहर 12 बजे नेहरू नगर स्थित राधा कृष्ण मंदिर से पालीवार पार्क स्थित गीता मंदिर तक आकर्षक गीता यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में शामिल सैकड़ों प्रभु प्रेमी हाथों में तख्ती लेकर गीता का अमूल्य संदेश जन जन को देंगे। देश में भागवत बहुत होती है, गीता देश में पहली बार हो रही है। हमारा जो देश का जो मूल ग्रंथ है गीता है, और गीता में देश की सारी समस्याओं का समाधान है। युद्ध की समस्याएं, क्रोध की समस्याएं, काम की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, पेशेंस की समस्या, मोटिवेशन की समस्या, सारी समस्याओं का समाधान श्रीमद् भगवद गीता में। कोरोना काल एक लंबा समय बीता जिसमें इस तरह के धार्मिक आयोजन कम ही हुए हैं, ऐसे में लोगों में एक नहीं इसलिए तो कार्यक्रम करा रहे हैं, और इस कार्यक्रम का जो डर को दूर करने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है। और हमारा जो उद्देश्य ये है कि हमारा यूथ है भटका हुआ है, यूथ का जो झुकाव है पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति तरफ है। या किसी बच्चे से कहो कि बेटा गीता पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, तो बच्ची कहती है कि हमारा बुढ़ापा आ गया है, ये हमारी संस्कृति चेंज हुई है। जब सारी समस्या का समाधान हमारे देश में देखा गया है कि धार्मिक आयोजनों में अधिकांश बूढ़े लोग जाते हैं। जब बूढ़े लोग वृद्धावस्था के लोग धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो हमारे चित्र में हमारे धर्म अंकित होंगे, युवा पढ़ेंगे चरित्र में, तो हमारा उद्देश्य है चरित्र में अंकित करना धर्म ग्रंथों को। जैसा कि सर ने अभी आपको बताया था कि गीता पे उनके प्रवचन होंगे और गीता को देश में पहली बार ये हो रहा है जिसे हमने विज्ञान से जोड़ा है, और हमारा यूथ कोई भागवत सुनने नहीं जाता, वो आए पूरा, ये हमारा पूरा प्रयास है। और उनको इस माध्यम से कि भाई हमारा जो विज्ञान था वो हमारा धर्म पूरा की पूरा विज्ञान पर ही आधारित था। तो युवा मेन तो युवाओं को जैसे कि देखो हर चीज़ बच्चा ये पूछता है कि इसमें क्या साइंटिफिक रीज़न क्या है, इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है ये पूछता है बच्चा, तो उसको वही चीज़ हमको उसकी विज्ञान कहाँ विज्ञान के माध्यम से ही बताया। तो भाई टेस्ट ट्यूब बेबी, जैसे मैंने बोला पहले भी जमाने में, आज के लोग कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बड़ा चलन है इस बात में, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, भारत में तो सदियों पुरानी चीज़ थी। गांधारी के जितने बालक थे वो सब टेस्ट ट्यूब बेबी ही तो थे। इसमें जो है बच्चों को जोड़ने की बात है, क्योंकि हमारा जो बच्चा चाइल्डहुड है ना, बचपन है ना, वो मर गया है। पाश्चात्य सभ्यता ने हमारे बचपन को मार दिया है। हमारी संस्कृति सनातन संस्कृति है, हमको इसे जिंदा रखने के लिए बच्चों में उच्च संस्कार देने ही होंगे। रही बात गीता की, तो अनेकों सिद्धांत, श्री कृष्ण ने कहा है अर्जुन से कि अनेकों सिद्धांतों से विचलित हुई तेरी बुद्धि, जब मोह रूपी दलदल से पार हो जाएगी तब हे पार तू मेरे कहे हुए वचनों को सुनने के योग्य होगा। तो अनेकों मतमतांतरों से हमारे युवा भ्रमित हो गया है। बच्चे हम लोग ज़्यादातर जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जो भेज रहे हैं वहाँ क्रिश्चियंस धर्म और अन्य धर्मों की शिक्षाएं ज़्यादा दी जा रही हैं उनको, और उनको मिसरूट किया जा रहा है, भारतीय संस्कृति से अलग किया जा रहा है। तो इस टाइप से उसको रोकने का ये गीता संदेश पत्रिका भी निकली है, ये कार्यक्रम भी हो रहा है, ये पूरे भारतवर्ष नहीं विश्व लेवल पर 105 देशों में इसका प्रसारण होगा।